नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर बहुत सारे लोगों का अभी कमेंट्स भी है क्योंकि सर टाटा पावर लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो क्या इस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं? देखिए उससे पहले कंपनीज के टेक्निकली चार्ट प्लान्स को देखना पड़ेगा। तो टेक्निकली चार्ट प्लान्स क्या बता रहा है, पहले देखिए बहुत सारे इस कंपनी के ऊपर मुझे ट्रेड मिला था और एक एक करके मैंने ट्रेड लिया और अच्छा खासा टारगेट भी मिला। जैसे 2022 के सेप्टेम्बर मंथ से लेकर 2023 के जुलाई मंथ तक एक काफ़ी धन रिटर्न्स बना था और फाइनली उसका टारगेट मिला, 100 दिनों में 26% के आसपास टारगेट मिला है। दूसरी बार जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था तब मैंने ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट जब किया तब मैंने एंट्री लिया था और वो टारगेट रेशियो था 1:3 का, जहाँ पे मुझे 30% के आसपास टारगेट मिला था। तो वो भी कितने दिनों में मिला, 104 दिनों में। तो ज़्यादा से ज़्यादातर देखा जाए तो 100 डेज में ही कंपनी टारगेट को अचीव कर रहा है। तो फिर से क्या इस हाई लेवल को ब्रेक कर सकते हैं? इसका हाई लेवल है 460 रुपीज़, तो क्या इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं? उसके लिए तो इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना है कुछ इस तरीके से कप विथ हैंड पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो अगर कप विथ हैंड पैटर्न्स फिर से कम्पीट करे, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बना, कप तो कम्पीट हो चुके हैं, अभी देखिए छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करने जा रहा है। अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो फिर से मैं एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। अभी इस एंट्री का टारगेट पॉइंट कितना होगा, जो टारगेट पॉइंट निकल कर है, देखिए टारगेट पॉइंट मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, खुद चार्ट डिसाइड कर रहा है कि टारगेट कितना होना चाहिए। देखिए जो टारगेट पॉइंट निकल कर है करीबन करीबन 17 से 18% के आसपास, तो बेसिकली देखा है तो 19% के आसपास टारगेट निकल कर है। अभी मुझे चाहिए यहाँ पे ब्रेकआउट और उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन, तब मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लूँगा, नहीं तो कोई भी डिसीजन नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको, उसके बाद काम करना है क्योंकि कंपनी के ऊपर से टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स देखकर ही काम बनेगा नहीं, उसके लिए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। जैसे 11,900 करोड़ से 12,400 करोड़, उस बाद 15,800 करोड़, अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद नेट प्रॉफिट 630 करोड़ से 939 करोड़ बना और 1,000 करोड़ के आसपास बना, मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट सिचुएशन वाइज बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और जिसके चलते है बार बार इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला। और मजेदार बात आपको बता दूँ, इस कंपनी के ऊपर इस बार कंपनी जो फिक्स्ड एसेट को परचेज किया बहुत शानदार तरीके से फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया, वो कितना है वो आप देखेंगे तो कंपनी का इस बार फिक्स्ड एसेट परचेज है करीबन करीबन 13,300 करोड़ के आसपास, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट परचेज है। जब कोई कंपनी इतने हाई लेवल का फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं तो वहाँ पे एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी का फिक्स्ड एसेट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो रेशियोज है वो भी अच्छा खासा मेंटेन हुआ। जैसे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो 46 डेज था, अब इस बार माइनस में हुआ। अभी माइनस क्यों हुआ, क्योंकि डेज पेबल एंड इन्वेंटरी डे जो है यहाँ पे दोनों ही देखने को मिला, इस दोनों का अगर माइनस किया जाए डेटर्स डे के साथ तो ऑब्वियसली माइनस में निकल कर रहा है। इसका मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट को तैयार होने के बाद बेच रहे कस्टमर को और कस्टमर जो पैसा पेमेंट कर रहा है ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होता देखने को मिले। जो पिछले टाइम में 55 डेज चला गया था, 58 डेज चला गया था, आज वो 44 डेज हो चुके हैं, मतलब एक पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। देखिए मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के बारे में एक डेटा मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का सबसे पहले मैं बात करूँ तो आप देख सकते कंपनी के ऊपर जो पहले पैटर्न्स बना था एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किया और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किया, उसके बाद देखिए कंपनी शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया और वो भी अराउंड 26% के आसपास टारगेट था, वो टारगेट को कंपनी अचीव कर लिया। नेक्स्ट जो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट एंट्री लेवल मिला वो एंट्री लेवल कहाँ पे मिला मैं आपको बता दूँ, जो एंट्री अभी तक हुआ नहीं मगर एक रेंज क्रिएट हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाइंग कैंडल मिला जो कुल मिलाकर 39% के आसपास बाइंग कैंडल है। तो जब भी इस नीचे लेवल का टच करेंगे तब क्या बनेगा, तब एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा, मतलब एंट्री और टारगेट लेवल बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है
जो सिचुएशन यहाँ पे बनने जा रहा है, जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस बेसिस में देखा है तो कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस हो सकता है। तो बेसिकली कंपनी जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा। तो नीचे तो आया नहीं, कंपनी ऐसे बाउंस में कर चुके हैं, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट आने के बाद सबसे पहले डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर पहले से ही भागना स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इस हाई लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या बहुत ऊपर जा सकते हैं? देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली ऊपर तो जाएगा, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ है तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। मगर मैं हमेशा कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में ट्रेड लेता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी लेवल को ब्रेक किया मैंने ट्रेड ले लिया, ऐसे बिल्कुल कभी नहीं किया। हमेशा मैं रेंज के बेसिस में, कोई भी टेक्निकली कोई भी मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, साथ ही साथ कोई कप विथ हैंड पैटर्न्स बना, कोई रेंज ट्रेड बना, तो उसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया। तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के मेरा कोई ट्रेड नहीं है, मगर इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने के मैं लिए तैयार हूँ, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल डेटा बहुत स्ट्रांग है। 2000 करोड़ से 3000 करोड़ बना, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद नेट प्रॉफिट 326 करोड़ से 663 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का यहाँ पे एक पोटेंशियल और दम होना चाहिए। तो उस पोटेंशियल और दम के हिसाब से आपको कंपनी का कैश फ्लो देखना चाहिए। देखिए कैश फ्लो कंटिन्यूसली पॉजिटिव मेंटेन हो रहा है, बीच में 2 बार कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव आया था, बाकी कंपनी ठीक ठाक पॉजिटिवली मेंटेन किया। और इस बार कंपनी आज तक की हाइस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया करीबन 430 करोड़ के आसपास। जो जब कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। क्योंकि कंपनी का अगर यहाँ पे कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप कैपेक्स को देखेंगे तो इस बार कैपेक्स नेगेटिव में गया, फिर भी कंपनी का जो डेटा अपडेट है वो देखेंगे तो कंपनी का ROC, ROE एंड नेट प्रॉफिट का मार्जिन ऑब्वियसली जिस तरीके से होना चाहिए एक अच्छे कंपनी के ऊपर, उसी तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। एवरेज 15% से 20% के ऊपर देखने को मिला। एक गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज को आगे बढ़ने में। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। तो बेसिकली एंजल वन एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि पहले ही इंडियन जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर बढ़ चुके हैं। और टोटल अगर देखा जाए, अगर गूगल में इस डाटा का सर्च करेंगे तो आप देखने को मिलेगा ये 31 जनवरी 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से 87 मिलियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बढ़ चुके हैं। तो सोचिए 87 मिलियन यूज़र यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और जो 2015 में क्या था, 2015 में से 17.9 मिलियन था। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हुआ लास्ट 10 ईयर में, आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर ग्रोथ होता रहे तो अच्छा खासा एक लेवल कंपनी पहुंच सकते हैं। एक डेटा अपडेट में आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में कितना था, सिर्फ 20 मिलियन का था। 2021 में कितना मिला, 40 मिलियन, और लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी 80 मिलियन क्रॉसओवर कर चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि US मार्केट में 55% लोग डायरेक्टली मार्केट में निवेश करते हैं इक्विटी मार्केट में, और चाइना में 33% के ऊपर, और इंडिया में सिर्फ 3.5% लोग डायरेक्टली मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा गैप है, इस गैप को अगर फिलअप किया जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर। मतलब जो लोग जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसका डायरेक्टली फायदा मिलेगा। उनमें से एक कंपनी है जिसका नाम है एंजल वन, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्जा है, फिर भी इस कंपनी में कुछ गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे देखिए ROC, ROE बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, और कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का क्वार्टरली क्या रिजल्ट ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है। कंपनी देखिए 826 से 1300 करोड़ बने, एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 260 करोड़ से 340 करोड़ बने। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ किया। अभी मजेदार चीज आपको बता दूं कंपनीज के ऊपर, एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक भी क्वार्टर, मतलब कोई भी क्वार्टर में, कोई भी सालों में एक भी क्वांटिटी को नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा, उल्टा माल को खरीदारी किया। क्यों किया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पता है इस कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो पहले से ही कंपनी एक धमाका रिटर्न दे चुके हैं, अभी तो मुझे लगता है ये सिर्फ टेलर है, अभी फ्यूचर में और भी बड़ा जर्नी हो सकता है, क्योंकि अभी कंपनी का मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ से कंपनी आगे बढ़ने के लिए बहुत हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल दिखा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो हर किसी का डाउट है कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लिया, क्या आप उस कर्जे को मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में रिजर्व 2900 करोड़ है,
और कंपनी का फिक्स्ड एसेट 400 करोड़ है, तो इस दोनों को अगर मिला जाए तो कंपनी इजीली कर्ज को मिटा सकते हैं। फिर भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी पहले से ही तैयार होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में 9,500 करोड़ का कैश है। जो खुद के हाथ में जो कैश है उस पैसे से ही कंपनी कर्जे को 4 बार मिटा सकते हैं, ऑलमोस्ट 4 बार मिटा सकते हैं। तो सोचिए, रिजर्व बेचने का भी जरूरत नहीं है, फिक्स्ड एसेट बेचने का भी जरूरत नहीं है। तो सारे पॉइंट्स को आपको देखकर यही लग रहा होगा कि हाँ, कंपनी में दम है, इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और रही बात एंजल वन के टेक्निकली चार्ट फंड्स का, तो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि एंजल वन के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट फंड्स बना है उस बेसिस में मुझे जो यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिले, लगातार करेक्शन हुआ। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से ही एक यू टर्न लेकर कंपनी ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो जब तक कोई भी पैटर्न्स ना बने तब तक कोई मैं ट्रेड नहीं लूँगा, और कोई भी पैटर्न्स ना बनने से पहले ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिक्सी जोन होता है, मतलब बहुत बड़ा रिक्स होता है। इसलिए मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ। जैसे पहले एक ट्रेड बना था कप विद हैंडप्रेंस का, तब एंट्री लिया और उसका टारगेट भी अच्छे तरीके से मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी उसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया, इसको कंपनी स्प्लिट करने जा रहा है। अभी कहने बहुत जगह पे यही सुनने को देखने को मिला है कि एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने का अनाउंसमेंट करने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि एक के बदले 10 शेयर देने वाला है। तो कंपनी जब स्प्लिट का अनाउंसमेंट फाइनली लेके आएंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरे वीडियो में सारे जानकारी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।